नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर हिंदूवादी नेताओं को लव जिहाद पर फतवा देने से दारुल उल उलूम ने इनकार कर दिया है। सहारनपुर पुलिस की मध्यस्थता से की गई कोशिश भी हिंदूवादी नेताओं के लिए नाकाफी साबित हुई है। दारुल उल उलूम ने लव जिहाद पर बात करने तक से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हिंदूवादी नेता वापस लौट गए। हिंदूवादी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दारुल उल उलूम पूरे देश में लव जिहाद को समर्थन दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवकों को फंडिंग तक करने के भी संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के बाद से देश भर में लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म है। साक्षी के कातिल साहिल के हाथ में बंधे कलावे के बाद तमाम हिंदूवादी नेता और संगठन लव जिहाद के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना और शिवसेना के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर देवबंद स्थित इस्लामिक मदरसे दारुल उल उलूम से फतवा लाने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने मना कर दिया।